हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 71 की, जो कि 19 जनवरी के लिए जारी की गई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड रूल्स ऑफ मेंडल। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेरिडिटी की। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगुलर डिजाइन। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इजिबली इनहेरिटेड। अगर हम बात करें रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जो कि मेंडल ने कंट्रीब्यूट की थी, उन्होंने क्या बोला था, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू दिस चाइल्ड। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हो सकती हैं इन केस ऑफ वुमेन्स, बच्चों ये है जॉर्ज जॉन मेंडल, जो कि हमें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जिन वो मशहूर है। वो क्या हो सकती है, ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बींग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन सो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लूप्स आर द टू वेरिएंट्स दैट आर फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। बच्चों अब अगर बात करें जॉर्ज जॉन मेंडल के वर्क की, तो उन्होंने चूज किया था जो गार्डन पी या पैसम सेटोन का पौधा है अपने वर्क के लिए। क्यों किया था, पहले उसके रीजंस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो रीजन क्या थे कि मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, जिसको हम पैसम सेटोन कहते हैं, फॉर हिज मटेरियल एक्सपेरिमेंट। क्यों, availability of detachable contrasting characters of several characters, short lifespan of the plant, normally allows self-pollination but cross-pollination can also be carried, और large number of seeds can be produced, so variation जो है उन्हें आसानी से देख सकते थे वो। अब अगर बात करें कि उन्होंने कौन कौन से characteristics लिए थे, तो there are 7 characteristics जो कि उन्होंने लिए थे। पहला है seed का shape round है कि wrinkled है, सीड का कलर येलो है कि ग्रीन है, फ्लावर का कलर वायलेट है कि वाइट है। फिर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन को देखा, एक्सेल है कि टर्मिनल है, पॉड शेप देखा, इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रक्टेड है, पॉड के कलर को देखा, ग्रीन है कि येलो है। फिर आखिरी में उन्होंने देखा प्लांट की हाइट को, जो कि टॉल है कि डॉर्फ है। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड हेरिडिटी। तो जो ट्रांसमिशन है ट्रेट्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। बच्चों ये आपका आंसर वन है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 1। द प्लांट्स ऑन विच द मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट वो है ग्राउंड पी। फिर राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट है ये। ठीक है बच्चों, ये आंसर 2 का 2रा पार्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेम एनी टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये है फ्री और अटैच्ड ईयर लूप, दो वेरिएंट्स जो फाउंड होते हैं पॉपुलेशन में, ये आपका आंसर है। आखिरी आपका क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर दिस हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये बेसिक रीजन है जिस वजह से उन्हें पी प्लांट को लिया था, आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया आपका वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।